एक आँख है दहक तार आँख जवानी मेरी जवानी मेरी जवानी मेरी जल जाएंगे अगर पास आएंगे जलाने वाले अरे दे 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 हाय रे दिल बाग है नजर में बाग है मुझे डर किसका मुझे डर किसका मुझे डर किसका पछताएंगे अगर टकराएंगे जमाने वाले मेरी जल जाएंगे अगर पास आएंगे जलाने वाले ओ राजू भैया क्या है बे राजू देखा राजू देखा देखा तुमने कैसा कमीना हैगा श्यामा कहाँ मैं कहता हूँ श्यामा कहाँ है वाह बेटा हम कोई चौकीदार है तेरी बहन के श्यामा रो वो घर चली गई बेटा हाँ मगर कुछ हम भी तो सुने आखिर अबे अबे ओ ओ ओ मैं बात तो सुन श्यामा ले देख देख ले अपनी आंखों से जिस बेईमान की तू माला जपती है कल से वो किसी और का हो जाएगा कल तेरे किशोर की सगाई हो रही है एक मालदार की बेटी के साथ मैंने तुझे लाख समझा लेकिन तूने एक नहीं मानी आखिर ये कमीना तुझे धोखा दे गया ना भैया जानती नहीं लोग आजकल इंसान की कदर नहीं जानते सिर्फ दौलत को पहचानते सिर्फ दौलत को तेरे पास रखा क्या है सुना है इस लड़की का बाप शहर का सबसे बड़ा रईस हैगा लाखों की जायदाद हैगी बड़े बड़े मकान हैंगे और जो कुछ दौलत खरीद सकती है वो सब कुछ हैगा उसके पास ये भी पसंद नहीं है लेकिन मैं पूछता हूं आखिर इसकी वजह क्या है कमला तीन बार ये मजाक हो चुका है जिस लड़के को मैं चुनता हूं उसे तू नापसंद कर देती है कहीं तूने खुद तो किसी को पसंद नहीं कर लिया है जी जी नहीं पापा बात यह है चाचा जी कि आप उसे खिलौना समझते हैं खिलौना यानी कि चांस ही नहीं देते चांस चांस आखिर यह भी इंसान है ये भी चाहती है कि पहले दो दिनों में कुछ जरा मेल जोल कुछ हंसी खुशी कुछ रोना धोना यानी कि कुछ मोहब्बत क्या लेकिन पिताजी मैं भी इंसान हूँ मेरे सीने में भी दिल है मैं ये चाहता हूँ कि शादी के पहले मोहब्बत होनी ही चाहिए अबे उल्लू के पट्टे कभी तेरे बाप ने भी मोहब्बत की थी कि तू ही करेगा अरे पिताजी मेरी बात भी तो कुछ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता दीवान बहादुर राम सरंदास ऐसा बेवकूफ नहीं बिमला जो अपनी बेटी और अपनी दौलत को किसी उचक्के नौजवान के हवाले कर दे अबे गधे लाखों की जायदाद है लाखों की जी हाँ लेकिन क्या दौलत ही सब देख अगर तूने जरा भी गड़बड़ी की तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा चमड़ी क्या समझा लाला शुभाराम सरकार
आपके बुद्धू बेटे को मैं सिर्फ इसलिए घर जवाई बना रहा हूँ कि आपका खानदान अच्छा है और मेरी नजर में आला खानदान बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप पल्ले दर्जे के लालची हैं और सिर्फ चांदी के टुकड़ों पर अपने बेटे को बेचने के लिए तैयार हैं। जी सरकार, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ सरकार, जी हाँ। आप जानते हैं कि कमला मेरी इकलौती बेटी है और मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद की अकेली वही वारिस होगी, यही उसकी खुशनसीबी है और यही उस बेचारी की बदनसीबी है। इसलिए मेरी वो जो चंद शर्तें हैं उन्हें एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। जी हाँ सर, कब उसकी मत लाला, मैं आपको खूब पहचानता हूँ। हाँ तो पहली शर्त यह है कि सगाई के बाद आपका कोई हक न मेरी जायदाद पर होगा न अपने इस बुद्धू बेटे पर। आप इसे बेच रहे हैं और मैं इसे खरीद रहा हूँ। लेकिन सरकार भला इस लेकिन वेकिन से काम नहीं चलेगा लाला जी। हाँ कहिए या ना कहिए। हाँ सरकार, लेकिन तो फिर वही लेकिन, मैं ऐसी बकवास का आदि नहीं हूँ। नहीं मंजूर है तो हटाइए अपने इस नमूने। अरे भला ये कैसे हो सकता है, मुझे सब कुछ मंजूर है, सब मंजूर है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरे। चाचा जी जल्दी आइए, कमला की तबीयत एकदम खराब हो गई। क्या? और अगर फिर भी दौलत के बल पर मेरा सुहाग छीनोगी तो याद रखो जीवन भर दुखी रहोगी। एक दिन के लिए भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा जीजी, एक पल के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ आखिर एकाएकी हो क्या गया? अभी सुबह तक तो बिल्कुल अच्छी थी कमला। वो बेटी कमला, पहले ये बताओ उसका नाम क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। आखिर वो है कौन, कहाँ रहती है, कहाँ से आई और आई तो भाग क्यों गई? ये सब कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं पापा। ये तो पूछे ही नहीं पापा। बहाने मत कर कमला, मैं जानता हूँ कि किशोर तुझे पसंद नहीं, लेकिन अब मुझे शक है कि असल बात कुछ और ही है। नहीं पापा, वो लड़की वाकई है। देख सक बता कमला, कहीं तूने तो शादी का वचन किसी को नहीं दे दिया? नहीं पापा, भला बस यही बात है चाचा जी, असल में ये खट्टे कट्टे नौजवान से प्रेम करती है और दोनों में शादी का पक्का वादा हो चुका है। नहीं पापा, नहीं, ये क्या कमला? लेकिन ये नौजवान आपकी दौलत का भूखा नहीं जनाब, उसे ये तक नहीं मालूम कि ये आपकी बेटी है। तो एकदम बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। झूठ मत बोल। सुंदर सरकार, कह दो लाला जी से कि हमसे कल मिले। लेकिन सरकार ये मुहूर्त, जहन्नम में जाए आपका मुहूर्त। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। जमाना ही ऐसा बहन, आजकल सच्चाई झूठ के घर पानी भरती है। लेकिन अब कोई नाम सोचो, नाम ना? जी हाँ, नाम पता सब कुछ। अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन है, कहाँ से आया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शायद तू ये नहीं जानती कि तेरे दादा के जमाने में अगर हमारे खानदान के बारे में किसी ने ऐसी बेहयाई की बातें जबान से निकाली होती तो उनकी जबान खींच ली जाती है। और मुझे खुद भी कम से कम अपनी औलाद से ये उम्मीद न थी कमला। मुझे हैरत है कि तू मेरी बेटी होकर मेरी तालीम और तरबियत के बावजूद कब से जानती है तू उसे? राजकुमार सक्सेना। क्या? ये तो उसका नाम है चाचा जी, राजकुमार सक्सेना। राजकुमार सक्सेना, अच्छा खानदान। अजी खानदान के क्या कहने, शाही जमाने के रईस हैं। क्यों कमला? उमर उमर
यही कोई 24-25 वर्ष होगी। क्यों कमला? अच्छा देखो, मैं उस नौजवान से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज ही। आज? लेकिन बात यह है कि आजकल वो क्या नाम से बर्मा गया हुआ है। बर्मा? बर्मा, वहाँ उसके बाप का कोई कारोबार है। क्यों नहीं मिला? अच्छा तो कब आएगा? जी यही कोई 4-5 महीने के बाद। एक महीना? मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता। अभी अभी उसे तार दो कि वो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ आए और मुझसे मिले। ओके ओके चाचा जी, ओके ओके। लेकिन याद रखो, ये राजकुमार सक्सेना अगर 15 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं 16 दिन का इंतजार नहीं करूंगा। समझ गई? सुंदर सरकार, लाला जी को बुलाओ जल्दी और पंडित जी से कहो कि 15 दिन के बाद सगाई का नया मुहूर्त निकाले। समझा? बोलो तो इसमें क्या है? अभी मेरे साथ क्लब चलो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए। शहर में लाखों नौजवान है पर तुम्हें एक नहीं मिलता। तुम जिसकी तरफ नजर उठा के देखोगे वो वही का वही कुर्बान होके रह जाएगा। दोनों रहे एक साथ, नैनों में नैना और हाथों में हाथ। हम और तुम, तुम और हम, हम और तुम दोनों रहे एक साथ, नैनों में नैना और हाथों में हाथ। जला करे जलने वाले चाहे जो भी हो, ओ हो 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 हो। हम और तुम दोनों रहे एक साथ। रूपा पा पा रात सुहानी, मौज में जवानी भी है आजा। ओ पिपी पिपी पिया, जला करे जलने वाले चाहे जो भी हो, ओ हो हो हो। हम और तुम दोनों रहे एक साथ, नैनों में नैना और हाथों में हाथ। जला करे जलने वाले चाहे जो भी हो, ओ हो हो हो। डेरे तुम्हारे तुम मेरे, हंसती निगाहें फूल जैसी बाहें, कहती है जाए मेरी आजा। ओ पी
पिया जला करे जलने वाले चाहे जो भी हो। ओ हो 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 हम और तुम दोनों रहें एक साथ नैनों में नैना और हाथों में हाथ जला करे जलने वाले चाहे जो भी हो। ओ हो 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 पिपिपिया पिपिपिया लेकिन भागने से काम कैसे चलेगा? तुम जानती हो दिन कितने बचे? मैंने कह दिया मुझे ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा होगा कैसे नहीं? जरा ये तस्वीर तो देखिए। ये कौन? माथुर। माथुर बड़ा ईमानदार आदमी है, तुम कहो तो बात चलाए। अबे सुंदर जी चलता कल कह दूंगी पापा से। अच्छा? हाँ कह दूंगी, ये सब झूठ है। झूठ है? अब आपकी ये हिम्मत हो गई कि आप मुझे झूठा समझते हैं? काम मेरा मतलब, मैं आपका मतलब खूब समझता हूँ लाला जी। मेरी बेटी अगर मुझसे झूठ बोले तो मैं उसे गोली मार दूँ, समझे आप? उस नौजवान का नाम है राजकुमार सक्सेना, जब आएगा तो आँख खोलकर देख लीजिएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके बुद्धू से तो अच्छा ही होगा। होटल एम्पायर में रहता है, 1000 रुपये दोगी तो यही राजकुमार सक्सेना बन के आ जाएगा पापा से। और कहीं पापा ने इसी से मेरी शादी कर दी तो? पहले किशोर का पता का तो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा जी, और अगर पसंद ना आए तो 1000 रुपये और दे देना, वापस चला जाएगा। चलो छुट्टी हो गई, चला जाएगा। दौलत के लिए लोग क्या नहीं करते इस दुनिया में। लेकिन देखो पहले अपना असली नाम पता मत बता देना, कह देना यही कोई सुशीला वशीला। सुशीला? मेरी जान तो नहीं समझती, ऐसे मामलों में फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मुझे ऐसे मामले पसंद नहीं, समझी? बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पूछता हूँ कि वो बदमाश वाले का जवाब आया कि नहीं? जी जी चाचा जी, आप कोई फिक्र न कीजिए, वो एन वक्त पे आ जाएगा। क्यों कमला? हाँ जी सुन लिया आपने? देखो नया मुहूर्त 24 तारीख को निकला है, अगर राजकुमार नहीं आया तो किशोरी से, लेकिन ये मुहूर्त नहीं टलने का, समझ गई? भाई अब क्या होगा सुशीला? हाँ तो फरमाइए बर्मा, मुझे क्या करना होगा? बर्मा नहीं, काम तो यही बंबई में। अच्छा देखिए काम तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा। वचन? जी हाँ, जो कुछ मैं कहूँ जी किसी को मालूम न होने पाए। अच्छा देखिए मिस्टर माथुर जी, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, लेकिन रुपयों के बारे में बिल्कुल फिक्र न कीजिए, 1000 रुपये अभी दे सकती हूँ इसी वक्त, लेकिन पहले काम फिर दाम। खूब बहुत खूब। हाँ साहब अब तो ये फरमाइए कि मुझे काम क्या करना होगा? काम? ओ काम देखिए जी मैं जो हूँ यानी आप जो हैं? जी हाँ मैं हूँ। मिस्टर माथुर जी आप झूठ बोलना जानते हैं? झूठ? जी हाँ बात ये है मिस्टर माथुर। What a place in the house. So nice, so cheap, and hardly the room. Johnny? माफी देना दिए, कोई जगह नहीं मिलती। कोई कोई जगह नहीं मिलता। बॉय बॉय तुम्हारे साथ खाएंगे दिए? जी जी नहीं मैं प्लीज प्लीज जॉनी। ओह बॉय बॉय चार आदमी का खाना लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मिस्टर मेम साहब हम पहले से यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप लोग हमारे मेहमान हुए। क्यों सुशीला जी? हाँ जरूर जरूर, लेकिन वेल हाउ नाइस, हमको नया लोग से मिलना बहुत प्यारी लगता। बहुत बहुत प्यारी लगता जाने। ओह प्लीज माय हस्बैंड जॉन फर्नांडिस। हाउ डू यू डू? आज हमको बहुत पुराना वाला बात याद आया, जब हम जॉनी को पहली बार मिला एक चाइनीज होटल में, तो किसी ने हमारा पर्स मार दिया।
हेलो वेरी सॉरी वेरी सॉरी। आप अपना अपना पर्स संभालिए, कहीं गुम न हो जाए। मैं अभी आया, दो मिनट। लेकिन सुनिए तो, बैठ जाइए, अभी आ जाएंगे। जाने 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 मैं मनी वॉट 500 रुपया रुपया वेयर इज दैट मैन, वो बदमाश किधर गया? बदमाश? ओ मिस्टर बदमाश। जाने जाने यू फूल, कॉल द मैनेजर एट वंस। मैनेजर मैनेजर ओ मैनेजर मैनेजर मत मारो इसे। हाँ तो मिस सुशीला, अव्वल तो हमें शक है कि तुम्हारा असली नाम सुशीला नहीं है, और दूसरे चूंकि तुम अपने बाप का नाम तक नहीं बताना चाहती। मगर मेरे बाप से आपको क्या मतलब है? देखिए, अगर आप नहीं मानते तो ये लीजिए मेरे जेवर, मेरा हार, मेरा नेकलेस। मेरा नेकलेस अकेला 5,000 का है। 5,000? हमको तुम्हारा नेकलेस नहीं मांगता, हमको अपने रुपया मांगता मालूम। तो रुपया नहीं मिलता मालूम? देखिए मिलता कैसे नहीं? देखो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं उस आदमी को नहीं जानती, मैं उस आदमी को नहीं जानती। क्या समझती हूँ? क्या समझती हूँ? सुशीला जी, देखो अगर तुम अपने बाप का नाम और पता नहीं बताओगी तो हमें मजबूरन तुम्हें हवालात में बंद कर देना पड़ेगा। हवालात? जमादार साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। प्लीज सुशीला रो मत। सुशीला ए जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। इंस्पेक्टर साहब, यस, मेरे पापा का नाम है सुशीला। सुशीला तुम्हें कई बार समझाया कि शरीफ उठाई गिरों से दूर रहा करो। इंस्पेक्टर ये बेचारी खामखां चक्कर में आ गई है, मैं नुकसान पूरा किए देता हूँ। कितने रुपए की बात है मैडम? 500 रुपया। आहिस्ता बोलिए, मैं बहरा नहीं हूँ। 500 रुपया ये लीजिए अपने रुपए। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूँ सुशीला का मामू। मामू? हाँ बेटा, घबराओ नहीं, अभी छुड़ाए लेते हैं। ये लीजिए मेम साहब, 1, 2, 3, 4, 5। अब तो खुश हैं आप? थैंक यू वेरी मच मामू। चलो बेटा घर चलें। मामू नहीं नहीं सुशीला, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम ना आया तो क्या हैवान आएगा? आओ चलो तुम्हें घर पहुंचा दें। कहाँ रहती हो? मैं तो आप कहाँ रहती? होटल एम्पायर। अच्छा जी, तो मैं कल आपके रुपए लौटा दूंगी। नमस्ते। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी सुशीला, आप फिक्र ना कीजिए, मेरा घर पास ही है। हाँ लेकिन मेरी बात तो संभल के जाओ सुशीला, क्या जान देना चाहती हो? नमस्ते मामू, आपने 2 बार बचाया है मुझे, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप बर्मा गए हैं कभी? बर्मा? बात यह है कि मैं, अच्छा मैं कल बताऊंगी आप क्या होटल। अच्छा बहुत खूब, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा टाटा। जानती है कि कमला आजकल इतनी उदास क्यों रहती है? उदास? मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम लोग कुछ
क्या राजकुमार सक्सेना नहीं आएगा? जी क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? तब क्या बात है? जी बात ये है कि हमें डर है कि जब वो आएगा तो शायद आप उसको पसंद ना करेंगे। पसंद? जी बेटा मुझे तो बहुत खुशी है कि वो शख्स वाकई मेरी बच्ची को जानता है, सिर्फ मेरी दौलत को नहीं। जिमला मुझे उस वर्मा वाले से मिलने का बहुत इश्तियाक। चाचा जी मुझे भी उससे मिलने का बहुत इश्तियाक है। है तो क्या हर एक आदमी बुरा निकल आएगा, इतना घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी जगह होती तो यूं पसंद कर लेती। ये देखो प्रीतम पांडे है पसंद। अरे अरे कमल, अरे बात सुन, अरे निकल गया हूं। पांडे, प्रीतम पांडे, मैं अभी जाके पापा को सब कुछ बता देती हूँ। कमला, ओह माय गॉड, जो बर्मा वाला है कि नहीं? जो क्या आ गया, आ गया बर्मा वाला? जी नहीं अभी नहीं, लेकिन आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, और मुहूर्त के पहले ही आ जाएगा। आया? जी सरकार। मैं पूछता हूँ ये कमला की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है सरकार। घबराती क्यों हो? इस हुलिया में तो उसका बाप भी नहीं पहचाने का। याद रखो तुम मेरी आया हो, क्या समझी? आया। शाबाश शाबाश। अच्छा लो उसे अच्छी तरह देखो, वो आ रहा है। यही है प्रीतम पांडे? बिल्कुल। और ये तैयार है, अगर मैं इससे कहूँ कुएं में कूद तो नदी में डूब के मर भी जाए। लेकिन पहले पूछ तो ला। लेकिन लेकिन सब काम नहीं चलेगा। हाँ बोलो ना। अच्छा भाई हाँ, शाबाश आया शाबाश। ये लो 100 का नोट इनाम, मैं अभी आई। लेकिन आया, उचक्कों से होशियार रहना। सही डाला भले भाई का ना। अच्छा लो ये लो 100 रुपये, छुट्टा कैसे लगा भाई? मेरे पास था। ये लो बेटा इकन्नी और चालू हो जाओ। जी? तुमको? मुझको? मैं तुम्हें कई मर्तबा देख चुका हूँ। कहाँ? यहीं पर। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। जब आता हूँ तो सो जाता हूँ, जब सो जाता हूँ तो एक सपना देखता हूँ, हमेशा वही एक सपना। जानती हो सपने में कौन आता है? कौन? तुम। मैं? वही आंखें, वही नक्शा, वही आवाज। कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं होगी? जी, जी नहीं। हम भी कुंवारे हैं अभी तक, लेकिन लेकिन साल भर से तुम्हारे सपने देख रहा था, साल भर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और अब तुम आ गई हो। तुमने मुझे कभी नहीं देखा सपनों में? जी नहीं, कभी नहीं, और देखना भी नहीं चाहती, समझे? उचक्के। अरे 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 बात सुनो। ए, 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 अरे क्या नाम? ये ले जा, लेकिन मैं पीछे छोड़ दूँ।
और ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है, समझी? सलाम दुलारी, देखा है साया की बच्ची? अपने आप को परी समझती है? परी? देखो मिस्टर, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहती, समझे? देखो जी, हम इस बंदरिया से बोल रहे हैं क्योंकि इसकी हमारी पुरानी मोहब्बत है। कोई एतराज है? भाई वाह, क्या खतरनाक चाल भाई है। दोस्त होता तो क्या मजब होता। दुलारी, दोस्त होता तो क्या मजब होता, दुश्मनी पर तो प्यार आता है। अच्छा दुलारी, अब चल दिए, कल मिलेंगे इसी वक्त। ये मैंने बंदरिया से कहा है, तुमसे नहीं। कहले का जय हो राम, कहले का जय हो राम। कैसे बुलाए
कैसे बताए ठंडी हवाएं लहरा के आए वृद्ध है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए ठंडी हवा वर्मा वाला आ गया। मैंने कहा उसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? लेकिन वो है कौन? कहां से आया? मैंने कुछ नहीं पूछा। तब तो ये आदमी बड़ा खतरनाक है कमला। हाँ विमला, आदमी तो बड़ा खतरनाक है। शीशे वफा खींच लाई आखिरकार। मैं तुमसे मिलने नहीं आई समझे? अच्छा जी, तो आधा सेकंड खिलिए तो। फरमाइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकुमार सक्सेना। राजकुमार सक्सेना? यानी तुमको हमारे नाम से भी डर लगता है? आप बर्मा से तो नहीं आए कहीं? जी हाँ, मैं बर्मा में 4 बरस था। 4 बरस? नहीं नहीं। अच्छा, तरह की लड़की मालूम होती है? नहीं नहीं, क्या करती है? आप मेरा बारा सुनो। नहीं साहब, वो शहर में आ गया है। मुझसे बिमला कहती थी कि वो आज नहीं तो कल आपसे मिलने आएगा। बिमला, फिर मैं पूछता हूँ कि वो बर्मा वाला वाकई आ गया है ना? जी, और क्या, और क्या? अच्छा, ये कमला कहाँ गई है आज? जी, वो उसे लेने गई है। अच्छा, शायद शायद याने कहा? जी कहा? अरे मैं पूछता हूँ कहाँ लेने गई है? कहा जी, वो उसे लेने गई होगी किसी गार्ड में। ओ श्यामा, अरे कोई नहीं यहाँ पर? लो जी, यहाँ तो अपने ही राज है। आइए, अजी आइए, जाइए अंदर, कपड़े उतार के सुखा लीजिए। मेरा मतलब है कुछ और पहन लीजिए। सुनिए, यहाँ कोई आएगा तो नहीं? जी नहीं साहब, किसकी शामत आई? लेकिन सुनिए तो, आप मैं देखो कपड़े तुम्हें खुद बदलने होंगे। बंदा इस काम में कोई मदद नहीं दे सकता, समझा? कहाँ ले गए थे हो रहा? अरे क्या भेज दिए? अरे मामूली लड़की लड़की देखी नहीं कभी? चलो 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 चलो। अच्छा बिमला, वो आदमी है कैसा? तूने देखा है अपनी आंखों से? जी कुछ थोड़ा सा। थोड़ा सा? यानी कि दूर से, दूर से। अच्छा, वो देखने में कैसा है? अच्छा खासा, लंबा चौड़ा, मर्दाना टाइप। Thank you.
कहाँ लेके जाइ हो रा भाई वाह क्या हुलिया बदला है गोया बंदरिया ने पाजामा ओढ़ रखा हो क्यों जी तुम तो कहते थे यहाँ कोई नहीं आएगा अजी वाजी हम भी नहीं आएगा क्या जी है? लेकिन वो आदमी कौन था आदमी आदमी कौन मुझे क्या मालूम था कोई ऊंचे का तुम्हारे जैसा हमारे जैसा अच्छा वो देखो जी यहाँ तो ऐसे ही चलेगा नहीं पसंद है तो रास्ता रहा वो रहा दरवाजा और अगर है पसंद लो चाय पियो ये लो फूल ये फूल क्यों ओ फूल यूं ही कोई खास वजह नहीं अरे ये कपड़े साफ पहनने के हैं अजब तरह क्या आया अपना काम कर नहीं सकती मालकिन का खाया करती होगी है चलो पहले काम करो लेकिन मैंने तो चलो घबराओ मत ये हजरत हमारे मकान मालिक है अच्छा? जी हाँ सुना है कमबख्त के पास लाखों की दौलत लेकिन औलाद एक वो भी लड़की अच्छा? जी हाँ रहने को महल का महल है जिसमें 300 आदमी रह सके लेकिन रहते हैं 3 आजकल के जमाने में आप इनको जानते हैं हम ये तस्वीर तो एक अखबार में से काट कर चिपका रखी सुबह शाम दर्शन कर लेता हूँ इनके और अपने आप से कह लेता हूँ राजू और जो चाहे करना बेटा मगर ऐसा मनहूस हरगिज मत बन जाना ऐसे ही लोगों ने तो पार्टियां गुल कर रखा है देश का तुम जानती हो इनको मैं लेकिन जब वो आ गया है तूने अपनी आंखों से देखा है कमला उसे लेने गई है तो आखिर वो ठहरा कहाँ है जी तो शायद वो अभी नहीं आया है नहीं आया जी बात यह है कि कभी वो आता है कभी वो जाता है उसका रहने का कोई खास ठिकाना नहीं है लेकिन आदमी A1 है अच्छा? कमला तो उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है अच्छा एक बात तो बताओ तुम रहती कहाँ हो जी अपने घर में अच्छा जी माँ बाप जिंदा है माँ नहीं बाप बाप है क्या करते हैं जी मैंने पूछा आपके बाप काम क्या करते हैं काम काम तो कुछ नहीं करते ओ, बेकार है ओ, देश में बड़ी बेकारी है आजकल इसलिए शायद काम करना पड़ता तुम्हें जी? बंदा भी जब बर्मा से आया तो महीनों ठाट से बेकार था न रोटी का ठिकाना न सर छुपाने की जगह दिन भर भूखों पेट 1212 सड़के नापो रात को घड़ा भर पानी पीकर सो रहा हूं जानती हो कहा फुटपाथ पर तुम सोई हो फुटपाथ पर कभी ए जी अभी तक तो नहीं तुम रो रही हो क्या नहीं तो नाम क्या तुम्हारा कमल कमल कमाल है साहब कमाल है साहब कब गया नहीं मालूम कब आया नहीं मालूम कहाँ ठहरा है नहीं मालूम अच्छा माँ बाप कहाँ रहते हैं उसके जी वो तो अकेला है बेचारा दुनिया में अकेला है अकेला अकेला क्या बिल्कुल अकेला जी हाँ और ये जो घघरा चोली है ना इसे भी हम ही पहनते हैं कोई एतराज है किसके हैं ये कपड़े श्यामा के श्यामा कौन है एक लड़की काफी सुंदर है तुम्हारी कौन है आपकी कौन है आपको मतलब कुछ नहीं यूं ही अब छुपाओ मत हम भी समझ गए जी जी आप क्या समझ गए
पूछो अपने दिल से, पूछ लिया जी, क्या कहता है? कहता है कल बताएंगे, वही रानी बाग में, यहीं आ जाऊंगी, आ जाओ। अच्छा जी, कोई मान ना मान, मैं तेरी मेहमान। कमाल सब, कमाल सब, कमाल सब, कमाल सब, कमाल कमाल। बिमला, मुझे शक है कि आज जो कुछ तूने मुझसे कहा है वो सब का सब। लेकिन चाचा जी, कहा तो मैंने कुछ भी नहीं, ये सब तो मेरा अंदाज है। अंदाज है? अरे कहो लेका जय हो राम, ओ जुल्मी नैना, कहो लेका जय हो राम। आप जा रहे हैं? जी हाँ, आपके तो कपड़े सूख रहे हैं और हमारा काम। इसके अलावा आज हमें आपसे डर लगता है। कहा लेके जय हो राम। लेकिन ए, तुम्हारी नियत तो साफ है ना? नियत? मैंने कहा सरकार, अगर कोई चीज पसंद आ गई हो तो कह देना पहले से, ऐसा ना हो कि सुने में श्यामा के कपड़े ही लेकर चालू हो जाओ। आप हमें चोर समझते हैं? नहीं साहब, कसूर तो हमारे दिल का है। नमस्ते जी, हमने कहा नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्या सुरीली आवाज पाई है। नमस्ते। काले का जगवारा जुलमी नहीं नया, काले का जगवारा। जहन्नम में जाए फिर रात कमार सकते ना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कमला आज गई कहाँ? कमला, घबराइए मत चाचा जी, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? तेरा सब ठीक हो जाएगा। पनघट पे देखो आई मिलन की बेला, पनघट पे देखो आई मिलन की बेला, ठुमक ठुमक राधे चोरी चोरी आई, सखियों से पूछे कित छुपे हैं कन्हाई, हाय बंसी के दोन सुन सुध बिसराई, मन हुआ बमरा नहीं मनाए माने रे, पन घट पे देखो आई मिलन की बेला। Thank you.
जन में लहराई पायलिया मोरी मोरी मोरी। मैं पिया से मिलने आई रे चोरी 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 चोरी। मन हुआ बारा नहीं मनाए माने रे कुंजन में देखो आई मिलन की बेला। देखिए आप जो कुछ मुझे समझते हैं वो मैं नहीं हूँ। नहीं जी नहीं। और जो मैं हूँ ना वो आप बिल्कुल नहीं समझते। अच्छा जी, लेकिन जो हम है ना हम वो आप तो क्या आपके बाप भी नहीं समझते। चलिए पहले कपड़े उतारिए। लेकिन मैंने श्यामा को सब कुछ समझा दिया है। चलो हेलो हेलो हेलो। कौन? कमला जी मैं हूँ लाला शोभाराम। कल हम लोग किस वक्त आए सरकार? आप गधे हैं जी। हाँ आप गधे हैं, आपके बाप गधे। तू क्या देखता गधा? मेरा ही नाम है दीवान बहादुर। आप कौन है जी? इंस्पेक्टर यानी पुलिस है। क्या कहा आपने? नहीं नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरी बेटी और ऐसा काम? आपको धोखा हुआ है जनाब। नहीं साहब, धोखा कैसा? जौहरी कहता है वो आप ही की बेटी है। अभी कुछ दिन की बात है वो मेरे पास यहाँ थाने में लाई गई थी चोरी के इल्जाम में। जी जी हाँ, आपकी बेटी सुशीला। मेरी बेटी का नाम सुशीला नहीं है जनाब, उसका नाम है कमला। जी कमला कमला कमला। अच्छा तो आया की बच्ची आपकी बेटी है मोटा सेठ? सुंदर सरकार, ये कौन जंगली घुसाया मेरे घर के अंदर? कौन है तू? मैं वो हूँ मोटा सेठ जो शायद आप नहीं। मैं हूँ एक इंसान। इंसान? लाना तो मेरा चश्मा, देखूं मैं इस इंसान के बच्चे को। तकलीफ मत कीजिए सरकार, तकलीफ बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी बात कहने आया हूँ, और वो ये है कि आपकी बेटी एक नंबर की झूठी है, दगाबाज है।
चोर, उसने मेरे घर में चोरी की है। चोरी? जनाब चश्मा सरकार, क्या बकते हो जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले तुम अपना नाम बताओ। पूछ लीजिए अपनी बेटी से, वह सब कुछ जानती है। लेकिन जरा जल्दी कीजिए वरना हम जाते हैं पुलिस के पास। सरकार ये तो कोई लोफर मालूम होता। खामोश रहो। बिमला कमला को बुलाओ नीचे जल्दी। हेलो हेलो हॉस्पिटल जी, मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, ये एक मेरा दोस्त खो गया हैगा। जी नहीं, हम पागल खाने से बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो जी क्या यही है वो लड़की? लड़की तो वही है जनाब, लेकिन जरा टीम टाम का फेर है। यानी इसी ने चोरी की है जनाब? क्या चुराया? चुराया तो बहुत कुछ है मोटा सेठ, अब आपसे क्या अर्ज करें हम, लेकिन एक चीज बहुत कीमती और वो हमें अभी वापस मिल जानी चाहिए मैम साहब, इसी वक्त। कौन सी चीज? हमारा दिल। खामोश बदतमीज, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पूछ लो ना सरकार। कमला क्या तू जानती है इस आदमी को? कमला मैं पूछता हूँ, तूने इस आदमी को कहीं भी कभी भी देखा है? जी नहीं पापा। सुंदर सरकार, के निकाल दो इस इंसान के बच्चे को। छूटी बेईमान, उस दिन क्या देख लो? दोबारा आए तो पुलिस के हवाले कर। ले चलो, ले चलो, ले चलो, पकड़ो पकड़ो। सरकार आज आखिरी दिन है। जी हाँ, मैं भी जानता हूँ कि आज आखिरी दिन है, लेकिन मैं कमला का बाप हूँ, समझे आप, उसका दुश्मन नहीं। जी हाँ सरकार, लेकिन अगर आज हाँ, मैंने आज रात के 9 बजे तक का उनको वक्त दिया है। आज 9 बजे तक जनाब? हालांकि मुझे शक है कि ये छोकरियां बना रही हैं सबको, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करती क्या है। प्रीतम पाड़े, मैं कैसे भूल जाऊँ, स्टॉल वाले का उससे कोई काम नहीं बनेगा। अगर चाचा जी को पता लग जाए कि वो राजकुमार पहला है तो जानते क्या होगा? गोली मार देगा तुम्हें भी। मुझे भी। अरे हद इतना घबरा चुकी हूँ, अभी तुम्हारा दिल बड़ा है। अच्छा देखो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी, मगर तुम यही बैठी रहना समझे, यही। बाय बाय। अरे ओ सुन ले जरा झूम ले, हो जरा झूम ले, जवानी का जमाना है सुहाना, जरा झूम ले, हो जरा झूम ले जरा झूम ले, जरा झूम ले, जवानी का जमाना है सुहाना, जरा झूम ले। जीवन लहरों का रेला, जग दो दिन का मेला, रे सुन ले, जग दो दिन का मेला। ओ ये जीवन लहरों का रेला, जग दो दिन का मेला, रे सुन ले, जग दो दिन का मेला।
क्या पाया दुनिया में जिसने दिल का खेल ना खेला जरा जरा झूम ले ओ जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले ओ जरा झूम ले झूम ले जरा झूम ले जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले जनक जन नन नन जन नन हो सिनी मिनी सिनी मिनी 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 ओ बीती घड़ियां लौट पाए चाहे जितना चाहो अरे रे रे चाहे जितना चाहो ओ बीती घड़ियां लौट न पाए चाहे जितना चाहो अरे रे रे चाहे जितना चाहो कुछ आज का दिन है अपना गोरी कल क्या जान क्या हो जरा जरा झूम ले ओ जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले ओ जरा झूम ले झूम ले जरा झूम ले जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले आ ओ झलक जन नन नन झन नन ओ को सिनी मिनी सिनी मिनी 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 जैसे दिन है बालम चांदी जैसी रात रे बालम चांदी जैसी रात बालम चांदी जैसी रात सोने जैसे दिन है बालम चांदी जैसी रात बीत जाए समा सुहाना सुन ले मन की बात रे बालम सुन ले मन की बातें जरा झूम ले ओ जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले ओ जरा झूम ले झूम ले जरा झूम ले ओ जरा झूम ले जवानी का जमाना है सुहाना जरा झूम ले ओ 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 जरा झूम ले जंगली है ये कारखाने वाला कहीं बैठने की जगह तक नहीं रखी ओह ओह कितनी गंदी जगह है ये ए! अरे तू यहां छुपा है ए मिस्त्री अरे मैं कहती हूँ बाहर निकल जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है इतनी देर से चिल्ला रही हूँ सुना नहीं तूने बहरा है क्या जंगली कहीं का देख मेरी गाड़ी का इंजन चौक गया तू उसे फाड़ हम्म
तो मरम्मत की जरूरत पड़ गई मैम साहब। आइए राजू। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ये लो ये कपड़े, मैं वहीं जा रही थी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, आपके घर। कल जो कुछ हुआ वो मेरा नहीं तुम्हारा कसूर था। श्यामा को सब कुछ समझा दिया था मैंने, और मैं खुद तुम्हें पापा से मिलाना चाहती थी। लेकिन तुम पागलों की तरह घर में घुस आए। मैं पूछती हूँ ऐसी जल्दी क्या थी तुम्हें, और अगर आना ही था तो पहले अपनी भूलिया तो ठीक कर ली होती। दो रुपए आठ आने मैम साहब। दो हाँ मैं ये दे सकती हूँ। दो रुपए आठ आने। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। यही तो मुश्किल, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मगर इससे कोई काम नहीं चलता मैम साहब। आप खा सकती नहीं, इसे आप पहन सकती नहीं, इसे फेंक कर इंसान को जानवर बना सकती है, लेकिन इसे चिपका कर अपने बाप की गाड़ी चला सकती नहीं। उसके लिए एक मजदूर का हक चाहिए, लेकिन मजदूर पैसों से। मजदूर भी इंसान होता है मैम साहब, जानवर नहीं। अब जाओ और अपने बाप से पूछना कि इसका मतलब क्या है। अरे कहां लेके जाई हो राम, ओ जुल्मी नैना, अरे कहां लेके जाई हो राम। ये मेरा कसूर है कि पापा के पास दौलत है? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबत, मेरा दर्द कोई चीज नहीं? आज दुनिया में किसे तकलीफ नहीं है इंसान। हमें लीजिए, ये देखिए ये खूबसूरत छत, बरसात में खूब टपकती, तीन महीने से मोदी का बिल नहीं दिया। एक मशीन लेना चाहता हूं, पैसे नहीं। मां बरमा में उसे ला नहीं सकता, भाई पागलखाने में उसका इलाज नहीं कर सकता। अगर मैं तो आपके और आपके बाप के पास नहीं आया, आप क्यों आई हैं मेरे पास? मैं आप आपको श्यामा ने कुछ नहीं बताया? जी बताया, सब कुछ बताया। तो आप चाहती थी मैं आपके बाप को धोखा दूं? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप बड़ी मुसीबत में हैं और मेरा नाम है राजकुमार सक्सेना, इसलिए मेरा फैसला साहब। मगर ये नाटक चलता कब तक मैम साहब? चार दिन या आठ दिन? जब तक तुम्हारी हिम्मत होती। अच्छा जी, और हमारी मजदूरी? जो कुछ तुम चाहते। मैं पुस्तिलों का भरोसा नहीं करता, समझी? और तुमने समझ कैसे लिया कि मैं इस बेवकूफी के लिए तैयार हो जाऊं? क्या तुम समझती मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई?
या मैं भी कोई बंडल एक्टर हूं जो चंद रुपयों के लिए मूछ लगा के तैयार हो जाऊं? तुम मजदूर हो, सिर्फ एक मजदूर। ये लो 2.5 रुपए मजदूरी, बाकी नाम। सलाम मेम साहब, बस यही कीमत लगाई है आपने हमारी? आप तो कहती थी, मगर आप तो कहती थी जो हम चाहेंगे वही मिलेगा। ये लो, जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अम्मा, ये लड़की कौन है कि यार, जहां मैं जाता हूं वहीं चल जाती है, जहां मैं रुपए, अम्मा इतने रुपए, राजू, अम्मा राजू, राजू, श्यामा कहाँ है? है? मैं कहता हूँ श्यामा कहाँ है? वाह बेटा, हम कोई चौकीदार होंगे। मैं कहता हूं कि 9 बजने में सिर्फ 35 मिनट बाकी हैं और अभी तक वर्मा वाले साहब का पता ही नहीं। जी बस यही 5 मिनट में आ जाएगा। अच्छा जी हाँ, आपको कमला ने बताया नहीं? तुम पांडे, लेकिन ना जब वो यहाँ आए तो तुम दोनों यहीं रहना जी। समझी? मैं अकेले में उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, समझ गई? ओके चाचा जी। प्रीतम पांडे, राजकुमार सक्सेना। हाँ, कहाँ से आए हो? बर्मा से। क्या चाहते हो? तुम शादी करना। मुझसे नहीं, कमला से, कमला से, कमला से, कमला से, कमला से, कमला से, कमला से। पापा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। घबरा नहीं बेटा, अगर वो लड़का अच्छा है तो मैं उसी को पसंद करूँ। लेकिन बात यह है कि पापा, देख कमला, मैं तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जी हाँ, मगर ये कौन आ रहा है प्रीतम? शायद वो आ गया। देख कमला, जब तक मैं तुझे बुलाऊं नहीं नीचे मत आना, समझी बेटा? सुंदर सरकार, अबे सरकार के बच्चे दौड़वा आ गया। आपको किस गधे ने बुलाया? अजब बेगैरत आदमी हैं आप। जब देखिए अपने नमूने को साथ ये चले आ रहे हैं। साहब ये मेरा घर है या चिड़िया खाना? सरकार मैंने तो सोचा था। सोचने का काम आपका नहीं, आप बैठ जाइए। मैं कहता हूँ आप बैठ जाइए, एक इंच यहां से नहीं हटिएगा। आप कौन है साहबजादे? मैं, यानी कि मैं खुद। हाँ हाँ तुम, मैं पूछता हूँ कहाँ से आए हो? उधर से। उधर से? मेरा मतलब है प्रेमला सब जानती है। अच्छा, तो तुम ही वो नौजवान हो? नौजवान, 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 नौजवान। जनाब की तारीफ। और क्यों जी, मैंने तो सुना था कि तुम बड़े लंबे तगड़े आदमी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम तो बिल्कुल औरतों से ही बताइए। मुझे तुम्हारी असली आई या चिपका के आए? जी, काम क्या करते हो? जी मैं पूछता हूँ काम क्या करते हो? काम वो तो मेरे पापा जी करते हैं। वो काम पापा जी करते हैं और तुम खाली इश्क लड़ाते फिरते हो जी। ये आप कौन है जनाब? लगाइए अंदाज,
आखिर मैं कौन हो सकता हूँ? वो कौन शख्स है जनाब के जिससे मिलने का आपको बेहद इश्तियाक है और जिससे आपकी बेटी को इश्क है? देखो जी, मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं। आहिस्ता बोलिए, मैं बहरा नहीं हूँ। सुंदर, कमला को बुलाओ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। देखो जी, अगर तुम वो नौजवान हो तो ये कौन है? पूछ लीजिए उसी से। क्या नाम है बेटा? प्रीतम पांडे। प्रीतम पांडे, पहले क्यों नहीं मुझसे कहा? पूछा ही कब? यू समझा, क्या यही वो नौजवान है? सलाम मेम साहब। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे शादी करने। आखिर मैं पूछता हूँ, इसका नाम क्या है? नाम राजकुमार सक्सेना। यानी भाई बर्मा वाला? बर्मा वाला। और तुम इतना डरती क्यों है? डरती? डरती नहीं है जनाब, ये तो जरा मूछों का फेर है। मुझे यह गुस्सा ये है कि पहले बंदा भी सफा चट था आपकी तरह, अब जरा चंद दिनों से नया शौक पाला। तुम कहो तो निकाल दो मूछे कमला। मेरा मतलब है अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू वेरी मच। अब तो मान गए सरकार। लेकिन अभी कई बातें पूछना बाकी है तुमसे। जी हाँ, जरूर पूछिए, जो मर्जी में आए पूछ लीजिए। बंदे की ये खास अदा है साहब कि झूठ कभी नहीं बोलता। अच्छा जी हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा पेशा क्या है? पेशा? सवाल तो वाजिब है साहब। कमला, तुमने बताया नहीं पापा को? जी। खैर मैं बता दूंगा, घबराओ नहीं, जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा। हाँ सरकार, तो पेशा मेरा जो है वो बड़ी मेहनत का है। अच्छा। जी हाँ, ऐसा काम करता हूँ कि क्या अर्ज करूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं कर सकता। यानी किशोर भी नहीं? जी साहब, किशोर तो क्या, किशोर के बाप भी नहीं कर सकते। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि हम हलाल की खाते, हराम खोरी नहीं करते। लेकिन सरकार, पहले इनसे ये तो पूछिए कि इनकी आमदनी क्या है। हाँ भाई। आमदनी यानी कमाई? जी हाँ, कमाई। ये सवाल तो जरूर चढ़ा है साहब। सुन लिया आपने, हमारी कमाई का तो ये हाल है साहब के बता दो कमला, तुम जानती हो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तुम मुझसे क्या पूछते हो? कमला। कोई बात नहीं सरकार, कोई बात नहीं, ये चूंचो तो चलती रहती है, वरना जिंदगी में लुत्फी क्या है? घबरा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। हाँ सरकार, तो आमदनी का कुछ ठीक नहीं है अभी, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर भी मसलन ये देखिए ना, ये आज की कमाई है 1800 रुपए। एक दिन में? अजी नहीं साहब, 5 मिनट में। 5? सुन लिया लाला जी। और सरकार, किसी किसी दिन तो लोग बंडल के बंडल नोट फेंक जाते हैं मेरे घर में। अच्छा, पूछ लीजिए इनसे। अब तो यह हालत है साहब की, मेरी नजरों में दौलत के लिए कोई इज्जत ही नहीं रही, मुझे तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। क्यों कमला? सुन लिया लाला जी। जी हाँ सरकार, लेकिन अब हमारे लिए क्या हुक्म? मेरा ख्याल है लाला जी, आपका माल अब यहाँ नहीं खपेगा, कोई दूसरा ग्राहक क्यों नहीं ढूंढते आप साहब? अरे लड़की, तो तू इतना घबराती क्यों है? आखिर वो बेचारा तुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत नहीं करता, वो तो इंसल्ट का बदला लेने आया है। अच्छा अच्छा, पता नहीं वो पापा को क्या क्या बताएगा। ये आदमी तो बड़ा खतरनाक मालूम होता है कमला। और कली तुम्हारी सगाई का मुहूर्त भी है। अरे भाई, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी मालूम हो। अजी सरकार, ऐसी तो कई खूबियां हैं इस नाचीज में जो आपको धीरे धीरे मालूम होंगी। मसलन मूछे है ना, मूछे सिर्फ कमला के लिए। कमला के लिए? ये वो चुटकी ना मूछों से, इसलिए उसे चढ़ाने के लिए। आप कहिएगा तो नहीं कमला से नकली है? हाँ। लेकिन मैं तैयार नहीं, समझे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी,
हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप करेंगे। देखो मिस्टर, तुम यहाँ से चले जाओ सीधी तरह, वरना वरना मैं पापा से सब कुछ कह दूंगी। सब कुछ? सब कुछ। ये भी कि तुम एक मजदूर से प्यार करती हो? हाँ, कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं? क्यों जी, तुमने कभी अपनी सूरत भी देखी आईने में? देख रहा हूं अपनी सूरत तुम्हारी आंखों में। तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। जाओ कह दो अपने बाप से कि जिस आदमी से तुमने इश्क लड़ाया वो एक मजदूर है। जाओ, हम भी देखें तुम्हारी हिम्मत। उस दिल कहाँ लेके जई हो राम, अरे कहाँ लेके जई हो राम, ओ जुल्मी नैना। ओए देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है देखो, ओ देखो जी। ओ जुल्मी नैना वालों तुम दामन लाग बचा लो, ओ जुल्मी नैना वालों तुम दामन लाग बचा लो, हमसे बचना है मुश्किल ये नैनों को समझा लो। जहाँ चलोगे संग चलेंगे, बनकर तुम्हारी छाया, बनकर तुम्हारी छाया, रे होए देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है देखो, वो देखो जी। ऐसी किस्मत लाए के हम जैसों को पाया, तुम ऐसी किस्मत लाए के हम जैसों को पाया, और हम वो किस्मत वाले के तुमने खुद बुलवाया। और क्या दाता की देन है, देखो राह में हीरा पाया, राह में हीरा पाया, रे होए देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है कहाँ लेके जई हो, कहाँ लेके जई हो राम, कहाँ लेके जई हो राम, ओ जुल्मी नैना। ओ
देखो जी, कुछ भी कर लो जी, तुम्हारी है देखो। देखो जी, देखो जी, देखो 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 जी, देखो देखो जी, कुछ भी कर लो जी, तुम्हारी है देखो। अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी। बस अब मुहूर्त में 5 मिनट बाकी हैं सरकार। अरे सुंदर, यस सर, जा जल्दी राजकुमार को बुला के ला। सरकार, आप लोग भी जरा आंखें खोल कर देखिएगा कि मैंने भी किस गजब का लड़का चुना है अपनी कमला के लिए। अरे सब शरीफ है, नौजवान है, मेहनती है, और जनाब मिजाज तो ऐसा पाया है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और आप देखिएगा, आप यकीन जानिए कि दंग हो जाइएगा। डरिए नहीं सरकार, डरिए नहीं, नौजवान वही है, जरा टीम टाम का फेर है। अब अगर आपको इंसान पसंद है तो बंदा हाजिर है, और अगर कपड़े पसंद है तो ये लीजिए। कर दीजिए अपनी बेटी की शादी इस पतलून के साथ। सुंदर राम सिंह कहां मर गए सबके सब? सरकार, सरकार वो क्या देखते हो, धक्के मारकर बाहर करो हमको। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले इस लड़की को ताले में बंद करो, क्योंकि हर एक दौलतमंद बाप को यही करना चाहिए। देखो जी, लेकिन याद रखिए सरकार, एक दिन तमाम जंजीरों को तोड़कर ये लड़की मेरे पास पहुंच जाएगी, और दुनिया के आखिरी सिरे तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वरना समझ लेंगे हम भी कि थी एक बुजदिल जिसकी रगों में खून की जगह पानी बहता था। क्यों सरकार, नाटक पसंद आया? नाटक जनाब, नाटक। अरे भाई देखते क्या, ताड़ी बजाओ ताड़ी। और ये देखिए सरकार, इस नाटक के लिए हमें 1800 रुपए मिले हैं, समझे आप, मेरी साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा। शुक्रिया मेम साहब, लेकिन मेरी कीमत आप तो क्या आपके बाप भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी कीमत है आपका दिल। रुपए नहीं, ऐसा झूठ, ऐसी दगाबाजी, ऐसी मक्कारी। मैं क्या जानता था कि मेरी बेटी मेरे प्यार का एक दिन ऐसा बदला देगी। अब जाने भी दीजिए सरकार, आप बीच में मत बोलिए नाना जी। मैं पूछता हूँ कमला, आखिर तुझे इतनी जुदत हुई कैसे? सरकार, इंस्पेक्टर टंडन आए हैं। कौन आया है? माफ कीजिए, मैं तो सिर्फ ये हार वापस करने आया हूँ, और अगर यही आपकी लड़की है तो ये वही सुशीला है जो चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई थी। कमला जी, हाँ सच है, जो कुछ आपने सुना सब सच है, और जो आपने नहीं सुना वो भी सच है। लाला जी। जी हाँ सरकार। किशोर को लाइए फौरन। अभी सरकार? जी हाँ अभी। कमला की सगाई आज हो के रहेगी। बहुत अच्छा सरकार, अभी लाया, अभी 10 मिनट में। कि एक दिन ये लड़की तमाम जंजीरों को तोड़कर मेरे पास पहुंच जाएगी, और दुनिया के आखिरी सिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वरना समझ लेंगे हम भी कि थी एक बुजदिल। बुजदिल कमला, कमला ये तुम क्या कर रही हो? सुनो तो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, गजब हो जाएगा। कमला, कमला, कमला मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगी, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं करने दूंगी। सरकार मैं तुम हार गया, मैं डूब गया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, ये सब उसी कमीने के हरकत है सरकार। तुम चुप रहो लेना जी, क्या बात है सुंदर जी? किशोर को राजकुमार ने किसी लड़की के साथ भगा दिया सरकार, कहीं भगा दिया। क्या? शायद वो बेईमान ये नहीं जानता कि अच्छे से अच्छे नौजवान मेरा दामाद बनने के लिए तड़प रहे हैं, और शायद तुम दोनों ये समझती हो कि आखिरकार मुझे उस कमीने के सामने झुकना पड़ेगा। मैंने आज ही एक नया लड़का तय भी कर लिया है। चाचा जी, कल सुबह 8 बजे कमला की शादी हो जाएगी। सुंदर सरकार,
इन दोनों ने अगर घर से बाहर कदम निकाला तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये सरकार की मेरा कसूर नहीं, मेरा तो बिल्कुल कोई कसूर ही नहीं। मैं तो रात तक नहीं सरकार, शायद वो पिछले दरवाजे से। खामोश रहो बिमला, तू जानती है कि वो कहां गई? सवेरा हो गया ए जी। ओ जुल्मी नैना, राजू कोई और तो नहीं तुम्हारे साथ? जी नहीं, जी नहीं, मैं सच मैं नहीं मानता। क्या कहती उसने यह हरकत की? बता जल्दी कि वो कमीना उसे कहां ले गया। बहुत, लेकिन जल्दी करो, अब वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। राजू बैठे क्या हो, जा टैक्सी ले आओ जल्दी से। टैक्सी? हाँ हाँ, जाना नहीं। कमला तुम छुप कर आई हो, किसी को बताया नहीं, कुछ दिनों की तरह भाग कर आई हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि पापा की सुनहरी पिंजरे से आजाद होने के लिए भागने? कुछ दिलों को आजादी का हक नहीं होता। आजादी यहां पैदा होती है कमला, सीने में। लेकिन तुम तो अपनी जंजीरें साथ लाई हो। क्या इतना नहीं समझती कि ये जंजीरें फिर एक दिन तुम्हें उसी पिंजरे में वापस खींच ले जाएंगी जहां से तुम आजाद होना चाहती हो। लेकिन ये तो मेरी मां के जेवर है। मेरी मां दे गई है मुझे शादी के लिए, ये मेरे पापा की नहीं, समझे? ये सिर्फ मेरी चीज है। बिना मजदूरी की दुनिया की कोई चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। कमला फैसला करो, तुम मुझे चाहती हो या इन जंजीरों को? मैं राजू, मुझे तुम मुझे चाहती हो या इन जंजीरों को? मेरे सामने से वरना गोली मार दूंगा एक एक को। मार दीजिए गोली। लेकिन अब मैं आपके सुनहरे पिंजरे में नहीं जाऊंगी। सुनहरी पिंजरा, देख रहा हूं कि इस इंसान के बच्चे ने बहुत कुछ सिखा दिया है तुझे। घर से जेवर चुराना, बाप को आंखें दिखाना, बहुत अच्छा पेशा इख्तियार किया है साहबजादे। लेकिन मेरा नाम भी कभी तो नहीं पढ़ा। ये लीजिए अपनी सेवा। क्या भक्ति है? हटाइए अपनी जंजीर, आज से मैं आपकी बेटी नहीं। और आप मेरे पापा नहीं। अब मैं इन्हीं के साथ जीऊंगी, इन्हीं के साथ मरूंगी। क्यों जी, अब तुम्हें बुद्धि नहीं?
कि ये जेवर तेरी माँ के हैं। मगर इनको मेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तू ये कैसे कह सकती है? ये इंसान पापा। बेटा कमला, क्या तुझे यकीन है? पूरा यकीन है कि ये सिर्फ तुझे चाहता है, मेरी दौलत को नहीं? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन। तो बस फैसला हो गया, फिर भागने की क्या जरूरत है? मेरे साथ चल, मैं खुद तेरी शादी का इंतजाम कर देता हूँ। पापा। बेटा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। राजू, राजू सुना तुमने? राजू पापा तैयार है। राजू मैं जाती हूँ। पापा मैं चलने को तैयार हूँ। पापा आप जो कहेंगे वही करूंगी, जो कुछ आप कहेंगे सब करूंगी पापा। पापा नहीं, पापा नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। पापा पापा मुझे धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। पापा अब मैं नहीं डरती आपसे, अब मैं किसी से नहीं डरती। पापा नहीं, पापा नहीं, नहीं। भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करिए। पापा आपने वादा किया है, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। पापा पापा आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो यही करती? पापा पापा आप मेरे बाप नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन आप इस तरह हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पापा 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 जिया जाए thank you.
मैम साहब। राजू, राजू, राजू तुम आ गए हो। सारे खानदान को बताना चाहती हो क्या? नहीं राजू, मैं तो सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम आ गए हो। लेकिन तुम इस तरह क्यों आए हो? अगर पापा को मालूम हो गया तो। मैं तुमसे एक जरूरी बात कह रहा हूँ। लेकिन सब जाग रहे हैं, अगर पापा ने देख लिया तो गोली मार देंगे भगवान के लिए। क्या इसी तरह मुसीबतों का सामना करते हैं? लेकिन राजू, मैं कुछ कहने आया हूँ कमल। एक ऐसी बात जो कई दिनों से मेरे दिल में थी लेकिन बताना भूल गया मैं। कौन सी बात? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत ना कोई थी, ना है, ना होगी। अफसोस है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भगवान के लिए मेरे हाल पर तरस खाओ। राजू, मार दीजिए सरकार, लेकिन मैं जो कुछ कहने आया हूं उसे के बिना हरगिज नहीं जाऊंगा। जाहिर है कि आपको मेरे जैसा दामाद पसंद नहीं, मुझे खुद आपकी सूरत से नफरत है, लेकिन अफसोस है कि आप इसके बाप हैं। शायद आप समझते हैं कि हम दोनों को जुदा कर देने से कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह 10 साल में भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम दोनों उम्र भर इंतजार करने को तैयार हैं। आज, कल, साल भर में या 10 साल के बाद जब भी मौका मिलेगा ये लड़की मेरे साथ भाग जाएगी, और तब क्या आपके खानदान की नाक बच जाएगी सरकार? शायद आपने कुछ और सोच रखा है, शायद आप जबरदस्ती इसकी शादी करना चाहते हैं। नामुमकिन, मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी मगर अब किसी दूसरे का मुंह नहीं देखूंगी। सुन लिया सरकार, अब या तो आपको हमारी शादी मंजूर करना पड़ेगी और या इसी तरह बंदूक लेकर दिन रात अपनी बेटी की रखवाली करना होगी। और अगर आपको जेलर बने रहना पसंद है तो ये दुनाली मुबारक हो सरकार, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि सुबह तक आपके होश ठिकाने आ जाएंगे और आपके बाप दादा इस इंसान के बच्चे के साथ रिश्ता कायम करना बाएं से फख्र समझेंगे। बस हम यही कुछ कहने आए थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको बंदूक चलाने का मौका नहीं दिया। सलाम मेम साहब। सलाम मोटा सेठ। कहाँ लेके जय हो राम, कहाँ लेके जय हो राम, कहाँ लेके जय, कहाँ लेके जय हो राम। नौजवान, कमला को भूल जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? यानी पैसा? जो तुम चाहो। क्या मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे तुम पसंद करो? जी हाँ, है तो सही। तो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ अभी और इसी वक्त। आपकी बेटी कमला। मैं ये नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, और तू ये समझती है कि वो तुझे प्यार करता है। लेकिन अगर एक तरफ मैं तुझे रखूं और एक तरफ रखूं 5 लाख रुपया तो क्या वो तुझे पसंद करेगा? जी हाँ, वो मुझे पसंद करेंगे। तू पागल है। बिल्कुल पागल है। मैं साबित कर दूंगा कि वो इंसान का बच्चा तुझे नहीं सिर्फ मेरी दौलत को चाहता। बिमला, चाबी कहाँ है? पता कर दी? राम सिंह। सरकार, सरकार, देखो तुम दरवाजे पर रहो। अगर आज इस कमरे में किसी ने भी कदम रखा तो तुम्हारी नौकरी बर्खास्त, समझ गए? मिस्टर,
नमस्ते मिस्टर, मैं हूँ बिमला। मैंने कहा जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुमसे एक काम है, प्राइवेट काम। ए मिस्टर, अरे भाई जल्दी निकलो, कोई आ जाएगा। देखो कमला ने ये चिट्ठी भेजी है, मगर याद रखो किसी दूसरे को खबर तक ना होने पर। आज ही की बात है ना? हाँ शाम ही की बात है। बस तो हो गया समझ लो। लेकिन सुनिए तो, बस बस बस, बस बस, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं सब समझ गया हूँ, असल तमाशा तो अब शुरू होगा। लेकिन आप यहाँ बात तो नहीं सुनिए। राजू मर गया, राजू और राजू मर गया, और राजू क्या करता है, और राजू क्या करता है? कहाँ लेके जाइ हो राम, कहाँ लेके जाइ हो राम, ओ जुल्मी नैना, कहाँ लेके जाइ हो राम। इस सरकार बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। जहे नसीब सरकार, लेकिन आज आपकी वो बंदूक कहाँ गई? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे तुम्हारी और कमला की शादी मंजूर है। आप एक बार पहले भी कह चुके हैं। पुरानी बातें भूल जाओ बेटा, आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूं, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी बेटी और दुनिया में जो। ठहरी, पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो सब जंजीरें नहीं। लेकिन ये तो मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। आप देना कुछ नहीं चाहते, आप मुझे खरीदना चाहते हैं। राजू, आप मुझे घर जवाई बनाना चाहते हैं मुझे? लेकिन मैं माफ कीजिए, इस मोहल्ले में इंसान नहीं बिकते, कोई और दुकान देखिए। आपकी बेटी मेरे घर आएगी। यानी यहाँ? यानी यहाँ, इस घर के अंदर। मगर बेटा, वो यहाँ रहेगी कैसे? जैसे हम रहते हैं। मेरी बीवी गुड़िया बनकर नहीं रहेगी मोटा सेठ, इंसानों की तरह रहेगी, इंसानों की तरह, समझे आप? क्या तुम समझते हो कि मेरी बच्ची मान जाएगी? पूछ लीजिएगा उसी से। ये देखिए 3:15 बजे, 4 बजे वो पहुंच जाएगी। क्या कमला? जनाब, आज वो जेल से फरार होने वाली है। सुंदर जब तक वो आ नहीं जाती, आप मेरे मेहमान रहे राजू। लेकिन याद रखिए, इस घर में कदम रखते ही कमला मेरी हो जाएगी, और उसे वापस ले जाने के लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ ये शहर छोड़कर चले जाओ, जो मांगोगे वही दूंगा। लो ये चेक, कोरा चेक, ब्लैंक चेक, देखो इस पर मेरे दस्तखत भी हैं, जो रकम चाहो भर लो। राजू, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए, भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। बंदूक से तो मार नहीं सके सरकार, अब दौलत से क्या खाक मारिएगा? तरसका जालिम, इस बूढ़े पर तरस खा, जब मेरी बच्ची फकीर हो जाएगी तो इस दौलत को क्या मैं अपने सीने पर लाद के ले जाऊंगा? मैं वचन देता हूं, आपकी बेटी को मैं हमेशा फूलों की तरह रखूंगा। लेकिन ये कैसा प्यार है तेरा कि वो बेचारी तो अपना ऐश, अपना आराम, अपनी जिंदगी
सब कुछ तुझ पर निछावर कर दे और तू तू एक इंच भी अपने उसूल से हटने के लिए तैयार नहीं। राजू देखिए कमला को मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जिसे मैं ठीक समझता हूँ उस राह को छोड़ने से पहले मुझे मुझे मौत मंजूर है। नहीं बिमला, मैं आज अकेली जाना चाहती हूँ उनके पास, बिल्कुल अकेली। तो अब मेरी बच्ची मुझे छोड़कर यहां रहेगी, जिसकी आठ पुश्तों ने कभी हल्के पानी नहीं किया वो तेरे घर के बर्तन मांजेगी, वो तेरे मैले कपड़े धोएगी, वो तेरे घर का पानी भरेगी। मैं कहता हूं वो बर्दाश्त नहीं करेगी, महीना दो महीने शायद, लेकिन जिंदगी भर संग दिल इंसान जिंदगी भर। सरकार वो आ गई। मैं दुनिया से नहीं डरती, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं समझी। ओहो ये फूल कौन लाया है जी? कमल तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं हमारी शादी नामुमकिन है, और मुझे अफसोस है इतनी मोटी बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। पापा यहाँ आए थे? हाँ। राजू कहीं तुमने पापा से कुछ? नहीं ये नहीं हो सकता, पापा तुम्हें खरीद नहीं सकते। क्या बात है जी, बताओगे नहीं? जानते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मौत का सवाल? मौत का सवाल नहीं है कमला, सवाल है जिंदगी का। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए मर सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जी सकती हो यहां इस घर के अंदर? दो चार दिन नहीं कमला, महीना भर नहीं, साल भर नहीं, जिंदगी भर। तुम्हें अब तक भरोसा नहीं कमला? कमला जिंदगी सिनेमा की कहानी नहीं है, जानती हो उस घर में रहने के माने क्या है? मुझे काम करना पड़ेगा। काम? ऐसा काम जो साल भर में तुम्हारी कमर तोड़ देगा, ऐसा काम जो आओ मेरे साथ। ये देखो राशन के लिए, कपड़ों के लिए, जिंदगी की हर चीज के लिए तुम्हें सारा दिन धूप में तपस्या करनी पड़ेगी, और इस तरह अपने हाथ से रोटी पकानी पड़ेगी, बर्तनों के ढेर मारने पड़ेंगे, जानवरों की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी, पानी पानी की एक एक बूंद के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह छीना झपटी करनी पड़ेगी, और जब एक आध खा मिलेगा तो सुबह शाम 50 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कमर टूट जाएगी मेन साहब,
ये देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पापा के नवासे कीड़ों की तरह गंदी मोरियों में खिलबिलाए करेंगे और मुमकिन है इसी कीचड़ में डूब के मर भी जाएं। और 6 महीने के अंदर तुम्हारी वो हालत हो जाएगी मेम साहब कि दुश्मनों को भी तरस आएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं होगा, हकीम नहीं होगा और मर जाओ तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा। और इन 2 कमरों के अंदर सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी, सारी जिंदगी। करोड़पति की बेटी, यहां मोटर नहीं होगी, यहां रेडियो नहीं होगा, यहां सिनेमा नहीं होगा, यहां होगा सिर्फ काम, 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 काम। और उसके एवज में तुझे मिलेगा क्या जानती है? खाना और कपड़ा। खाना वो जो तेरे नौकर भी नहीं खा सकते और कपड़ा वो जो तू। क्या तुम समझते हो कि मैं चली जाऊंगी? कमला, मैं जानती हूँ कि पहले मुश्किल होगा, मुझे काम करने की आदत नहीं है ना, लेकिन सीख जाऊंगी। नहीं कमला, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 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 मैंने अपने आप को बेच दिया। ये देखो, ये प्लान चेक, ये कोरा चेक, जो रकम चाहूं भर सकता हूं, समझी? तुम्हारे पापा की सारी दौलत ले सकता हूं। इसलिए अब मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा। कमला, चलो बेटा घर चले। बेटा समझ में नहीं आता किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। उम्मीद है अब आपकी बेटी सुखी रहेगी, पर उसकी शादी पर हमें ना भूलिएगा। लेकिन तुम मुझसे वापस क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए? जी हाँ, चाहिए। मैं चाहता हूं आप यहां से चले जाएं, फौरन चले जाइए मोटर सेठ। अब मैं अपनी शक्ल किसी को दिखाना नहीं चाहता। का इंतजार कर रही थी पापा, अब आप चाहे जिससे मेरी शादी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुबारक हो चाचा जी, किसी तरह खानदान की इज्जत तो बच गई। एक दिन आप और आपके बाप दादा इस इंसान के बच्चे के साथ रिश्ता कायम करना बाइस से फर्क समझेंगे। शायद तू ये नहीं जानती कि तेरे दादा के जमाने में अगर किसी ने हमारे खानदान के बारे में ऐसी बेहूदा बात मुंह से निकाली होती। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। लेकिन आप इस तरह हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। खामोश। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो यही करती? खामोश कमला, खामोश, खामोश। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। बंदूक से तो मार नहीं सके सरकार, अब दौलत से क्या खाक मारिएगा? दुश्मन, 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 दुश्मन। सुंदर, 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 कहते कहते कमदा से कि वो नौजवान मेरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। बेटा
लेकिन सवाल यह है बेटा, क्या क्या तू खुश रह भी सकेगी उसके साथ? अरे तुम आ गए। देखो जी, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई। यानी अभी कुछ बाकी है? सभी कुछ तो ले आया हूँ, केला, लौकी, दाल, चावल, गड्डी गुडम, आलू बोंडा, ये तुम्हारा खी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कह दिया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आखिर मैं तुम्हारा घर वाला हूँ, समझी? तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। ओहो, मैं कुछ और कह रही थी। अच्छा, तो भी आप कुछ और कह रही थी? जी हाँ। तो तुम जाओ नहीं कहती। हाय मोहब्बत। ये जी ओ जुल्मी नैना, कहाँ लेके जाए हो राम, ओ जुल्मी नैना। ये क्या बचपन है? तो कह डालो ना। ऐसे नहीं, कान में कहने की बात है। जवानी मेरी जल जाएंगे अगर पास आएंगे जलाने वाले।